दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र दरबार विच सुभायमान गुरु रूप साध संगत जीओ आप जी हर रोज धन गुरु अंगद देव दूसरे पातशाह जी दे श्लोक तिना दे विचार सरवण करके अपने मनुखी जीवन नू सफल कर दे। आज दा जो पावन पवित्र श्लोक है आसा की वार विच गुरु अंगद देव पातशाह जी ने अपना जीवन बहुत सारा गुरु तो बिना गुजारिया, तकरीबन 30 साल तो वध समा गुरु नानक साहब तो पासे रहे। फिर उन्होंने 7 साल आके गुरु नानक साहब जी की हजूरी अंदर दर्शन दीदार किते, वेख के पता लगा कि अज तू पहली जिंदगी जड़ी है वो सारी दी सारी हनेरे विच ही लंघ गई। उदे विच जो कुछ भी किया है, जेड़ियां जेड़ियां चीज़ां दे नाल नाता जोड़िया है, संबंध जोड़िया, उते सारियां कम आउण वालियां नहीं, तां एकदम उन्हां दी जिंदगी विच एक चानण आया, प्रकाश मिलिया, उन्हां नूं सोझी मिल गई। फिर उन्होंने 7 साल तक लगातार दिन रात सेवा विच गुजारे और बहुत सारे तजर्बे किते। उस सेवा दे दौरान
उस दौरान जिहड़े तजर्बे होए उन्होंने श्लोकां विच अंकित किए हैं और कह रहे ने इस धरती ते एक चंद्रमा चढ़दा है, पूर्णमाशी की रात बहुत सुंदर लगती है, चानण बहुत हुंदा है, सूरज भी एक ही चढ़दा जिहदे नाल सारा संसार दिसदा है। पर सतगुरु ने एक बड़ी अजीब गल कर दिती, कहन लगे जे गुरु नहीं एक दे थां ते सौ चंद्रमा चढ़ जाए तां भी आदमी नूं दिसेगा कुछ नहीं, एक सूरज दी थां ते हजार सूरज आकाश विच चमक जाण, उन्हां दियां किरणां धरती ते आउण, इन्ना चानण हुंदियां भी जे गुरु नहीं ते कहिंदे बंदा कल्ले हनेरे विच नहीं, कहिंदे उह कोर हनेरे विच जीवेगा, ये प्रमाण दिते गए ने। सौ चंद्रमा का मतलब है कि बाहरों बंदे की जिंदगी भावें जिन्नी मर्जी चमक जाए, जिन्नी मर्जी प्रभावित करे कि बहुत सुख है, बड़ा आनंद मिल भी जाए, किसी पास्यों कोई कमी ना होवे, शरीर भी तंदुरुस्त, माया की कमी भी नहीं, इज्जत सत्कार भी दुनिया में बहुत, किसी भी चीज की कमी नहीं, परिवार भी है, औलाद भी ठीक है, ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक होवे, इहदे अर्थ ने सौ चंद्रमा चढ़ जाना, इहदे अर्थ ने भी कोई कमी नहीं। चंद्रमा दे ते अर्थ सिर्फ ये बनते ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। हजूर ने कहा कमी कोई ना होवे ते एक कमी रह जाए, वो केड़ी? गुरु दे हाथ विच अपनी जिंदगी की वागडोर नहीं फड़ाई, वो बंदा जिंदगी विचों हार के चला जाएगा, उहदी जिंदगी बेकार चली जाएगी, क्योंकि वैसे तो गुरु तो बिना भी धर्म लोग कमाते, पर गुरमत दे अंदर जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे जीवन की आरंभता चलती है तो उन्होंने एकदम बड़ा जोर दे के कहा भी गुरु जरूर चाहिए, इहदे तो बिना सरदा नहीं, किते बिल्कुल रियायत की ही नहीं, एक इंच भी इस तरह का थान नहीं मिलता गुरमत फिलासफी के अंदर, गुरबाणी के अंदर, गुरु के बचना के अंदर, के किते सतगुरु ने किते एक इंच भी थान छड़ी होवे कि गुरु तो बिना सरेगा, नहीं किया, बड़ा जोर दिता गया। कुछ शब्द ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच ध्यान दिओ, हजूर ने बचन किते, एक शब्द है सतगुरु, एक शब्द है गुरु, एक शब्द है सिख, एक शब्द है गुरसिख, इन्हां चार लफ्जां वल ध्यान देना। बाणी बड़ी कीमती है, अमोलिक लाल ए रतन, ते एक गल ध्यान विच रखना, जिन्नी बंदा कीमती चीज खरीदन जांदा है उन्हां नूं ध्यान नाल बड़े वेखदा है, आम चीज खरीदनी होवे ते ध्यान दी लोड़ नहीं पैंदी, वैसे तां बंदा हर एक चीज ते ध्यान देंदा है, पर जदों किते उन्हें सोना खरीदना होवे बड़ा ध्यान नाल वेंदा किते खोड़ तां नहीं, जदों उन्हें किते बड़ी महंगी कोई चीज हीरे आदि खरीदने होण बड़े ध्यान नाल परखदा है। ते सतगुरु ने बचन किते कहन लगे अमोलिक लाल ए रतन, ए जड़ी गुरबाणी है सब तो महंगी है, ते गुरसिखा जदों तू इनू सुनना ते एवें अवेसला जिहा हो के गाफल जिहा हो के 50% सौं के ना सुनी, इनू पूरी तरह सावधान, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, गुरबाणी नूं सुनन लग्यां सिख नूं अपने ध्यान दा पूरा जोर लाउणा चाहिदा, नहीं तो गुरु का चोर है।
कि गुरु उन्हें दे जा रहा है। तुसी कदी ध्यान दियो, असी किसी बंदे नूं एक बारी चीज दईए तो वह अगों हथ ना करे, असी दूजी बारी उहदे नाल बोलण वास्ते तैयार नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहब तो सारा दिन सानू सिख्या देंदे ने, ते जे असी लई ना हालात की बन जाएगी, कितने गुरु की नाराजगी ना मिल जाए। वैसे असी कहने गुरु का सत्कार करो, ध्यान दियो, ये बाहरी सत्कार है, इन्हें प्यार पैदा करना है, गुरु का अदब सत्कार करना, प्यार विच वर्तना शरीरक तौर पर। पर एक गल होर ख्याल रखनी, जे गुरु की चल दी गल नू अनसुणा कीता, इहदे तो वड्डा फिर होर कोई तिरस्कार नहीं है। क्योंकि बंदा किसी गल तो गुस्सा नहीं करता, एक गल तो बहुत गुस्सा करता है। जे वह किसी नाल गल करता होवे ते अगला सुने ना, वो कहिंदा मैं परत के तेरे नाल बोलना ही नहीं, क्योंकि सुनदा नहीं। तां गुरबाणी दे जिहड़े लफ्ज़ ने ना, ये बड़े नेड़ियों हो के, जिवें बंदा किसी चीज़ नूं कोलों लंघ के स्पर्श करके तां ही शायद ये गल कह दित्ती कि गुरु के दर्शनां दे नाल बंदे नूं परसना चाहीदा। एक हुंदा दर्शन, दर्शन होर चीज़ है, उत्थों आए गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर ले, गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन किए, ये गल होर है। पर दर्शन विच ते परसन विच फर्क बड़ा जमीन आसमान दा है। सिख नूं चाहीदा जिथे वह गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करता है, उत्थे उन्हूं चाहीदा भी गुरु ग्रंथ साहब नूं परसना चाहीदा। हुण परसन दे अर्थ भी हथ लाउणा नहीं, दर्शन परसिया गुरु कै, परसना है गुरु नूं बंदे दे कन्ना ने, बंदे दी सुनन वाली शक्ति ने, बंदे दी ध्यान दी ताकत ने, उहदे नाल परसिया जाणा। जदों शब्द निकलेगा, गुरबाणी पढ़ी जा रही है जां कीर्तन है जां कथा है, ते जदों साडी सुरत उस आवाज़ दे नाल इक मिक हो जाएगी, टच हो जाएगी, सांझी हो जाएगी, तां ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਸ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਪਰਸੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ नाम की दात झोली विच पा दित्ती, फिर सिख नहीं रहा, फिर वह गुरु का सिख बन गया। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। ते फिर एक गल होर याद रखना, जिस सिख नूं गुरु ने सिर ते हथ रख के नाम की दात दे दित्ती, गुरु साहब ने कहा सिखा एवें ना कहिंदा फिरी मेरे भाग बड़े माड़े ने, तेरे वर्गा बड़े भागां वाला होर है ही कोई नहीं। क्योंकि अगे शब्द आया है गुर का सिख वडभागी, गुरु ने तो नहीं मन्या कि साड़ी किस्मत कदी माड़ी है, असी तो अपनी किस्मत नूं चार टकियां नाल जोड़ के वड्डी छोटी कर लैने, असी तो अपनी किस्मत नूं चार दिनां दी किसे होर गल नाल जोड़ के कहने किस्मत वड्डी हो गई कि किस्मत छोटी हो गई। सतगुरु ने नहीं मन्या, वो कहिंदे ने वो सिख फिर कादे लई करेगा किसी दे अगे हाथ जिन्हों गुरु ने दे दिता नाम। ते जे नाम ही गाफल जै हो के पंजां प्यारियां तो लिया सी, परत के कदी सुपने विच भी जपया नहीं, फिर ते आपे ही कहिंदा फिरेगा मेरी किस्मत बड़ी माड़ी है। सिख दी ते किस्मत कदी माड़ी हुंदी ही नहीं, सिख दी किस्मत ते कदी आरे थले भी माड़ी नहीं होई, कदी उबलदी हुई देग विच भी उहदी किस्मत नहीं खराब हुई, माड़ी नहीं हुई। ते असी तां चंगे पले बैठे किस्मत नूं कोसी जा रहे हैं, फिर सिख किवें होए।
सिख दे अर्थ यह नहीं जे किस्मत नूं, क्योंकि जो गुरु नाल जुड़ गया फिर किस्मत का सवाल खत्म हो गया, क्योंकि उहदा अपना जिंदगी का कुछ सारा कुछ है ही उहदे हथ दे विच। मैं एक गल सांझी कर दिया, उहदा कुछ रहा ही नहीं, कहना सौखा है कि गुरु नूं सारा कुछ सौंप दिता है। सिख उहनूं कहिंदे गुरु अंगद देव, जिन्हां दी आप जी बाणी सरवण कर रहे हो, शायद मैं पहला भी सांझी कीती होए, पर गुरु दियां गल्लां गुरु वांग ही जिउंदियां रहिंदियां ने। हाँ, कोई सुनन वाला जिउंदा होवे किते उहदे विच ना किते नुक्स आ जाए कोई, फिर गुरु दी गल सदा जिउंदी रहिंदी। गुरु अंगद देव जदों उहनां ने पूरी तरह सेवा कर ली ना, ते बड़िया ही कसवटियां दे विचों दी गुजरे, अखीरला दिन आ गया जिदन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने भाई लहणे जिहड़ा उहनां दा पहला नाम सी, गुरु अंगद देव जी की अखीरली प्रीख्या लैनी सी, जिहनूं कहिंदे फाइनल मैच, सब तो पिछला, अज अखीरली खेड खेडनी सी भाई लहणे नाल। वो खेड बड़ी वेखण वालियां नूं सौखी लगदी सी, पर जिन्हां ने खेडना सी उन्हां नूं बड़ी औखी सी। वेखण वालियां वास्ते कोई औखी नहीं, क्योंकि औखी तां नहीं सी, लोक ते गद्दियां ते तख्त लभदे फिरदे ने सारी उम्र, ते सिख नूं जे किते गुरु वाले तख्त ते बहना पै जाए उहदे मन विच इक गल आ जांदी है कि मैं इस योग नहीं, मैनू कित्थे बिठाउण लगे हो, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कीतोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही। गुण तो कोई है नहीं। अखीरली प्रीख्या आ गई, वो केड़ी सी? गुरु नानक साहब तख्त ते बैठे सन, ते भाई लहणा जी प्रवान हो चुके सन, गुरता गद्दी उन्हां नूं देनी सी, संगत भरी हुई सी। गुरु नानक साहब जी उठे, उठ के लैणे दी बांह फड़ ली, बांह फड़ के उन्हों उठाया ते खिच के उस थां वल लै आए जिहड़ी गुरु दी गद्दी सी। कहन लगे इत्थे बैठ जिथे मैं बैठा होया सी। बड़ी औखी गल सी एक मुरीद वास्ते। तुसी कदी हिसाब ला के वेखो, जिस भाई लहणे ने कदी सिर चुक के अपने गुरु वाल नहीं सी वेख्या, जे उन्हूं गुरु वाली थां ते बहना पै जाए किन्ना झाका आएगा, किन्ना डर लगेगा। ये गल वक्री है, कई लोग तो सारी उम्र नज़र ही गद्दियां ते ला के बैठे रहिंदे भी कदों खाली होवेगी ते कदों सानूं मिलेगी। ये गल वक्री बाई मंजियां वाले सन, ते भाई दातू दासू जी की गल चलती, उन्होंने भी यतन किया सानू मिले, पर यह कुछ दात इस तरह की है जेड़े इनू फड़ते ने उन्होंने हथों निकल जाती है, जेड़े हथ खुले रख लेंदे ने उन्होंने हथां में आ जाती है, क्योंकि गुरु नू पवन दे नाल तुलना दिती है ना। तुसी पढ़ते हो पवन गुरु, तो हवा का एक सुभा है, इत्थे वेखो हवा है, जे तां तुसी हवा नू कोल रखना है ते हाथ खुला रखो, जे हवा नूं मुठी बंद कीती फड़न वास्ते ते हवा हथों निकल जाएगी। गुरु दा सुभा हवा वर्गा है। जिस बंदे ने कहा मैं गुरु नूं लैणा हथां विच, उहदे कोल कुछ नहीं रहा, ते जिन्ने कहा मैं अपना आप देना गुरु दे हथां विच, गुरु ने कहा हुण सारा कुछ तेरा हो गया। फर्क सिर्फ इन्ना है, भाई लहणे नूं फड़ के लियाए, बहना पिया, हुक्म सी, गद्दी ते बैठ गए, ते सतगुरां ने संगत वेख रही सी। गुरु नानक साहब ने एक इशारा किया, कहन लगे लैणिया अज अखीरली प्रीख्या, तकड़ा हो के नंबर लई पास हो जाई। वो केड़ी सी? गुरु नानक साहब ने की परिक्रमा भाई लहणे दी, गुरु अंगद देव जी दी, ते गोडा टेक के पैरां दे उत्ते मथा रखण लगे, पैर थोड़े जिहे लगाए, छोटी गल नहीं सी। ओ मथा जिदे अंदर पता नहीं किन्ने कु खजाने पए सन, अज झुकिया, ते जदों भाई लहणे दे
चरणा नूं गुरु अंगद देव जी दे चरणा नूं लगन लगा ते पैर थोड़े जे हिल गए। गुरु नानक साहब ने फड़े हुए सन ते सतगुरु कहिंदे लैणिया पैर ना हिलाई, जे हिल गए तो फेल हो जाएगा। क्यों? कहन लगा महाराज मेरे तो पैर नहीं खड़े होंदे, मेरे पैर ते तुहाडा सिर, मैं ते तुहाडा सेवक हाँ। ते सतगुरु ने उस वेले बचन किया, कहन लगे जिदन आया सै उदन क्या की सही, उदन कहिंदा सै सारा कुछ तेरा है ते फिर पैर अजे भी तेरे बाकी रह गए, पैर फिर मेरे ने भावे मैं मत्था टेका भावे ना टेका तेरा इहदे विच की है, पैर भी तो तू मैनू दे चुका है। इस करके सिख ने कला सिर नहीं दिता गुरु नू, जदों कह दिता बई सब तन मन अर्पी, तन अर्पी सारा कुछ अर्प दिता, अर्पी सब सिंगार, जां ये कह दिता बई तन मन धन सब सौंप गुर को, ये गल कह दिती ते तन दे विच ही पैर आए ना। गुरु नानक साहब ने क्या लैणिया अजे उस बंदे विच कमी रह जांदी है जेड़ा अपने पैरां नूं भी अपने पैर समझदा रहिंदा है। सिख दे पैर भी गुरु दे, सिख दा सिर भी गुरु दा, सब कुछ गुरु दा। सिख दी परिभाषा ही ऐसी है जिदन वह बन जाता है उदन उन्हूं आप नहीं कुछ कमाना पैंदा, उहदे गुरु ने जिन्नी कमाई कीती हुंदी है वह सिख दी बन जाती है। पर बने कौन, इतों तक जाए कौन? शायद सिखी नूं पाउणा सौखा है, सिखी नूं समझना बड़ा औखा है। सिखी विच घालना बहुत ही नहीं ध्यान देना। सिख दा भाव की है, तुसीं सुनिया होवेगा कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने एक बारी छेवें पातशाह जी ने एक पंडित जी तो कथा करवाई सी, उस ग्रंथ दी उहदे विच लिखिया होया सी कि इत्थों बंदे नूं परलोक जाण लग्या साल लगदा है। उन्हें कथा कर दिती गुरु हरगोबिंद साहब जी ने करवाई, सिख सुनते रहे कई दिन, पंडित जी करते रहे। उदों सिखां दे विच जान सी, उदों सिखां दे विच जूरत सी, उन्हां दे अंदर सिखी दा प्यार सी, इन्ने कच्चे नहीं सन वी जिन्हें लाया गली उहदे नाल ही तुर चली, ये गल नहीं सी। उदों गल्लां सुन लैंदे सन सारिआं दीआं पर अपनी गल नहीं सन छड्डदे। अज ते सिख नूं किसी कच विच मड़ के रखना पैंदा कि इह ना वेख लवे तां वी सिखी टुट जाएगी, कित इधर ना टुट जाए, बड़ा कच्चा हो गया लगता है, बड़ी कमजोरी आ गई, जिधर दी हवा चलती उधर दे छज ला देंदा है। वह सिख सन जिन्हां दे अंदर भरिया सी गुरु ने अपना प्यार, उन्होंने कहा सुना अपनी कथा, सिख सुन गए गुरु का प्यार नहीं निकलेगा अंदर। गरड़ उपरांत की कथा सुनाई उन्हें, उहदे विच लिखिया सी साल लगता है पर लोग जान लग्या, ते गुरु हरगोबिंद साहब जदों बैठे रहे एक सिख उठिया सुनन तो बाद कहिंदा जी इन्ना समा साल खराब कर दी पर लोग जान लग्या, मैं तो एक महीने में चला जाऊंगा। दूजा उठिया उन्हें कहा मैं दस दिन विच। पंडित जी हैरान हो गए, उन्हें सोचा सी कथा सुनावांगे कुछ चार बंदे इन्हों का धर्म छड़ के पंडित जी बन जाएंगे, पर यह तां गल ही उल्ट हो गई। इन्होंने तो चैलेंज कर दिता, एक ने कह दिता दस दिन तो बड़े लंबे, एक दिन विच जा सकना। एक ने एक घंटे की घड़ी की गल कर दिती, तो कोल बैठे सन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बिधि चंद जी उठ के खड़े हो गए, कहन लगे इन्ना समा एक घड़ी परलोक विच जान लग्या, इन्ने समय की की लोड़ है, समय की लोड़ ही की है, तुहाडे तो किन्ना समा लगेगा। पंडित जी कहिंदे कहन लगे जान की लोड़ ही नहीं, जिथे मेरा गुरु हरगोबिंद साहब है सचखंड उत्थे है, होर किते जाना किथे है। इन्ना डूंगा विश्वास सिख किनू कहिंदे, जिन्हू गुरु ते इन्ना गहरा विश्वास हो जाए, होर कोई घालना नहीं। जिन्हें सानू घालना दे उपदेश दिते गए ना कि तू बाणी पढ़, सेवा कर, सिमरन कर, कादे वास्ते भी गुरु ते विश्वास आ जाए। जिदन विश्वास आ गया बाकी सब कुछ आ गया,
पर यह सीधा नहीं आएगा। असं कह देंगे साडा गुरु ते है विश्वास, सीधा नहीं आता। सोना कही जाए मैं बड़ा पवित्र हाँ, मैं शुद्ध हो गया, जिन्ना चिर अग दे विचों नहीं निकलता उन्ना चिर उहदा खोट नहीं जाता। इसलिए सेवा विचों, सिमरन विचों, अभ्यास विचों, इस सारे दे विचों दे गुजरना पैंदा है। ये कोई कागजी फुल नहीं कि रंग भर के आपां दिखा दी फुल खिड़ गए, इस तरह नहीं खिड़दे। जीवन नूं गुरु रूपी धरती दे विच, शब्द रूपी धरती विच इस बीज नूं मारना पैंदा, खत्म करना पैंदा है। फिर ये कोई बूटा उगदा है तो उन्हें सिखी दे फुल लगते ने, तो सुगंधि आउंदी। मैं गल कर रहा सी कि सतगुरु शब्द जेड़ा है, सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु नू सिख नू सतगुरु नाम देंदा है, ते किते किते गुरु भी आया है, दो शब्द आए ने। हुण भावें इक्को ही ने पर सतगुरु कौन है ते गुरु कौन है, सिख कौन है ते गुरसिख किहड़ा। सिख तां उदों सी जदों अजे नाम तो हीणा सी, गुरु तो दात नहीं सी लई, उदों सिख सी कला। कह सकते सां मां सिख सी, पिता सिख सी, घर भी तो सिख नहीं जन्म लिया होवेगा। उहनूं कहिंदे सिख तां उहने जिहड़ा बर्थ सर्टिफिकेट है जिथे उहदे जन्म की गल लिखनी उत्थे सिख लिखे जाएगा, उहनूं कहिंदे ने सिख है। कला सिख सिखेगा पर अजे की सिखेगा ये नहीं पता, वह बाकी रहिंदा है। सिख आया जरूर, सिख बन गया पर की सीखना, इन्ने गल अगे पई हुई है। वह उदन पता लगेगा जिदन संगत की भी कई सिखदा है, की पता झूठ बोलना सिख जाए जे झूठिया की संगत करता रहा, की पता बेईमानी भी सीख सकता है जे बेईमाना कोल बैठा रहा, की पता लगता है शराबियां कोल बैठा रहा शराब पीण की जाच सीख लै, ते पतित लोकां कोल बैठा रहा उन्हां दी संगत कर ली ते पतित होण दी जाच सीख लवे, उते बाकी पिया है ना, की पता की सीखेगा जिंदगी विच, इह कोई पता नहीं, पक्का नहीं किया जा सकता। पर इह गुरु दी गल सीखेगा, इह गल बड़ी अगे जा के है, इह कदों होवेगी जदों सतगुर सिख को नाम धन दे, उदों इह गुरु दी गल सीखनी शुरू करेगा। ते सिख कहिंदे ने विद्यार्थी नूं, ते विद्यार्थी तां उह जिदे कोल कोई बैग होवे, जिदे कोल कोई सिलेबस होवे, जिदे कोल कोई किताबां होण पढ़न वालियां। सिख दे अर्थ की ने, शिष्य है, शिष्य तों बणिया सिख, शिष्य दे अर्थ ने विद्यार्थी स्टूडेंट, सिख दे अर्थ ने सिखण वाला। पर इहदे कोल तां सिलेबस ही कोई नहीं, कहदा सिख, इहदे कोल तां नितनेम ही कोई नहीं, इहदे कोल ते ही नहीं पता इहदे गुरु ने क्या की है, इहनूं ते ही नहीं पता इहदे गुरु दे साहिबजादे शहीद क्यों होए सन ते किथे होए सन, कहदा स्टूडेंट है, कहदा सिख है। सिख दे अर्थ सन जिहदे कोल गुरु ने सिलेबस दिता सी वंड के, उहनूं उह मैटर दे के कहा सी इहदे विच्चों तूं लंघना है, इहनूं तूं पढ़ना है, इह पढ़ाई सिखणी है, तां उहनूं सिख कहिंदे ने। फिर गुरु ने सिखाया, गुरु ने सिखाउणा शुरू कर दिता, तां दो गल्लां स्पष्ट हो गईयां। सिख जिहड़ा है कल्ला रहना अधूरा है, जिन्ना चिर उह गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच पंज प्यारियां तों नाम की दात नहीं लैंदा, उन्ना चिर सिख है कल्ला। जिदन गुरु ने कीती कृपा उदन गुरसिख हो गया। हुण इहदे अर्थ की ने, हुण इह शरीर सिख दा है, अखां सिख दियां ने पर नज़र सिख दी नहीं, सिख दी नज़र किते गायब हो गई है। इहदी नज़र हुण गुरु गोबिंद सिंह वाली नज़र है, उहनूं कहिंदे गुरसिख। दो चीज़ां इकट्ठियां हो गईं। हुण कन्न इहदे ने मास दे पर स्रोत गुरु वाली, यानी कि ढांचा सिर्फ खोल जिहड़ा रह गया सिख दा, बाकी सारा मर गया अंदरों, ते गुरु ने विच प्रवेश किया। गुरु की सिख्या ने, गुरु के शब्द ने, होर कोई प्रवेश नहीं, किते भुलेखे विच पै जाना। ये शब्द बड़ा प्यारा है पर अजकल भूतां वालियां दे हत्थ आ गया,
प्रवेश का अर्थ की है, गुरु का प्यार अंदर वड़ गया किवें प्रवेश करता है, तस्वीर थोड़ी आउंदी उहदी, वो थोड़ी कहिंदा भी ये है, तुसीं तस्वीर लवो सिख की, गुरु की तस्वीर नहीं आउंदी नाल। जिवें किसी नूं बुखार चढ़ जाए उहदी तस्वीर लवो, बुखार की तस्वीर नहीं आउंदी नाल, चढ़िया हुंदा जरूर, तपदा उहदा शरीर, कंबदा है उहदा शरीर। इस तरह जदों कोई गुरसिख बनता है तो उहदा सिर्फ शरीर रह जाता है, उहदे जीवन दे विच भुलेखा पैना शुरू हो जाता है। तो कलगीधर पातशाह जी नूं किसे पुछया सी सिख दी परिभाषा की है, तो उन्होंने बचन कहा सी सिख उहनूं कहिंदे ने कि जदों किते उह सिख लंघे तो लंघण वेले उहनूं कोई वेख लवे, उहदी चाल नूं, उहदी वेखणी नूं, जां उहदे जीवन नूं वेखे ते वेखण वाले नूं भुलेखा लग जाए भी ये सिख है कि गुरु जा रहा है, भावें उहने कलगी नहीं लाई होवेगी। इहदे अर्थ ये ना करना, बाहरों नहीं बनिया, ना उहने चंदोआ लाना है अपने उत्ते, ना उहने चौर फिरवाना है, क्योंकि बंदा इहो जिहे कम्मां वल जल्दी दौड़दा है ना। ये मैं नाल कह दिआं कि ये अर्थ कोई बंदा ये चुक के बैठ जाए भी 5-7 हज़ार का समान आउंदा आपां वी गुरु बन के वेख लईए, इस तरह नहीं बनता। गुरु उहदे अंदर वरतदा है, जदों उह लंघदा है तो कलगियां वाले ने सिख दी दित्ती परिभाषा, कहन लगे खालसा मेरो रूप है खास, खास रूप मेरा केड़ा, आम नहीं, आम ते बाहर सी, जिवें असीं पढ़ने आ कलगी लाउंदे सन, दस्तार इस तरह दी बनदे सन, इस तरह दे सन, वो आम रूप खास केड़ा है, जिथों कलगीधर पातशाह उन्हां दी पहचान आउंदी सी कौन ने, जिथों सिख उन्हां नूं बहुता पहचानदे सन, गुरु के एक प्यारे सिख भाई नंद लाल उन्होंने एक बारी कहा सी, क्योंकि सतगुरां ने कह दिता कि जिन्हें भी आनंदपुर साहब दे विच कवि ने उन्हां दे घर बना के दिते सन, उन्हां दा प्रबंध किया सी कि एक कवि ने साफ सुथरे थां दिते सन, प्रबंध किया सी खाण पीण दा, उन्हां दी सेवा संभाल करवाई, क्योंकि पता सी ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਾ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਚਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, जिथे हवा भी श्वास लैण वास्ते साफ ने, की गाउणगे उह, की करनगे कीर्तन, किहड़ा ज्ञान फुटेगा उहनां दे विचों। पर गुरु कलगियां वाले ने कीता, असीं कलगियां वाले दा नां लै के गोलक तां वड्डी भर लैंदे आ पर कम उह नहीं करदे, इह फर्क बहुत वड्डा है। तां सतगुरु ने सारिआं दे डेरे बनवाए, सारिआं दे घर कह दिआ, क्योंकि डेरिआं नालों थोड़ी जिही हुण नफरत जी हो गई, डेरे दा अर्थ वैसे कुछ हुंदा नहीं, डेरे दा अर्थ टिकाणा जिथे बंदा रहिंदा है, आ तुहाडा छोटा जिहा कमरा होवे उहनूं वी तुसीं डेरा कह सकदे, कोई वड्डी गल नहीं। पर कई वारी समें दी लफ्ज़ां दे नाल किसे नूं बहुत नफरत हो जांदी है, तां उहनां घरां विच हुक्म दित्ता सी सतगुरु ने कि जदों कोई मंगण वाला आवे किसे नूं जवाब नहीं देना, भावें कच्चा होवे भावें पक्का, भोजन जरूर देना है। एक बारी हजूर कलगीधर पातशाह ने यह गल नूं परखना चाहिया बई जिहड़े कवियां नूं मैं रस देना ये भला लोगों नूं भोजन छकाउंदे ने कि नहीं, कि आप चंगा खा पी के सुते रहिंदे ने आराम करदे ने, गए ते चले उदों गए जदों अजे भोजन तैयार नहीं सी होया, तवज्जो देना, जिवें शाम दा वक्त होवे अद्धा भोजन कच्चा अद्धा पक्का उदों गए प्रीख्या लैण वास्ते, जिदे डेरे ते गए ते गए इस तरह नहीं भी शाही ठाठ बाट भी पहचान आ जाए, नहीं, एक पालिया खद्दर दा कुड़ता,
एक परना जा बन लिया पिछे नू सिट लिया चार पांच लड़िया दियां, एक जोड़ा पा लिया किसी सिख का मंगा के अडोल जो अद्धा टुटा होया सी, हाथ विच भांडा फड़ दिया छोटा जा डंडा, ते जेड़ा सिर ते परना बदा सी उहदा एक लड़ मूंह दे अगों दी बगा लिया भी पहचान ना आ जा, भेख बदलिया। जिस वेले गए किसी ने पहचानी नहीं, सारियां तो भोजन मंगिया पर किसी कह दिता अजे थोड़ा चिर रुको, अजे तैयार नहीं होया किसी ने कुछ। अगे आ गया भाई नंद लाल जी का घर, दरवाजे विच जा के सतगुरां ने थोड़ा जिहा डंडा खड़काया जिवें जोगी मंगदे ने। भाई साहब जी आए, वेख्या कोई सवाल ही लगदा, सत्कार दिता, कहन लगे आओ किवें आए हो। ते उस जोगी ने कहा प्रशादा चाहिदा, ठहरोगे कि हुणे चाहिदा? कहन लगे हुणे चाहिदा, बिल्कुल जल्दी चाहिदा। भाई साहब ने वेख्या भी शख्सियत होर तरह की, कपड़े होर तरह के, इंज लगता है जिवें विचों कुछ निकल निकल के बाहर नूं पिया हुंदा है। चले गए अद्धी कु ते भुलेखा जिहा पै गया भी यह कोई गल है, आम आदमी नहीं लगते। जाके आटा गुनिया सी, वह लै लिया क्योंकि गुरु का हुक्म सी भी जिवें दा होना है दे देना है। जिहड़ी दाल सब्जी अद्धी बनी सी वह भी अजे कच्ची सी, वह भी पा ली, लैके आ गए। कहन लगे लियाओ जोगी जी, पुआओ अपना भोजन, नाले थोड़े जिहा हस पै, पहचान लिया इह ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज लगदे ने। सतगुरां ने भांडा कीता, पहचान लिया, पिछे मुड़न लगे, भाई नंद लाल जी अपने दरवाजे विच अगे होके खड़े हो गए। कहन लगे इस तरह नहीं जान देंगा, की गल? कहिंदे सारियां तो लुक सकते हो, नंद लाल तो नहीं लुक सकते, मैं तुहानू पहचान लिया है, पहचान आ गई तुहाडी। सतगुरु मुस्काए, चेहरे तो कपड़ा ला दिता, कहन लगे नंद लाल किसे ने नहीं पहचानिया, तेनू कितों पहचान आ गई, सारे ही ते शरीर ढकिया है। भाई नंद लाल जी ने बचन कहे, सतगुरु उन्होंने तुहाडे कपड़े वेखे होणगे, मैं तुहानू वेख्या, पहचान तुहाडी तां हुंदी, मैनू किवें वेख्या? कहन लगे वह रहे ने सीमित कपड़िया तक, मैं वेख्या तुहाडियां अखां विच, ते वह सिख किहड़ा जिहनूं गुरु दी अखां दी पहचान ना आवे, क्योंकि गुरु दीयां अखां दे विच गुरु दी सारे जीवन दी घालणा समाई हुंदी है, उहदियां अखां विच बड़ी बरकत है, बड़ी ताकत है। तुसीं सुणिया होवेगा ना गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी, बंगाल दे विच इक चित्रकार ने तस्वीर बनाउण दा यतन कीता सी, सारी बना गया सी, हाथ पैर मस्तक बना लिया, सारा बना लिया, पर जदों अखां बनाउंदा उदों अखां नहीं बनदियां, बनाउण लगदा फिर वह गलत हो जांदियां ने, बनाउण लगदा फिर वह गलत हो जांदियां ने। अखीर नूं उहने कलम रख दित्ती, कहन लगा सतगुरु ये अखां ने तुहाडियां बनदियां, मैं बड़ी वारी यतन कीता है। सतगुरु ने कहा, कहन लगे लिया कलम, अपने हत्थां नाल बनाईआं, ते नाले बचन कीता सी, कहन लगे जे गुरु दीआं अखां आम बंदे तो बन गईआं फिर गुरु कहदा है? समझ नहीं आउंदी गुरु दी, इन्नी महान हस्ती है तां गुरु नूं पहचानना, गुरु नूं गुरसिख बन के वेखना ते परसना। मैं बेनती कर रहा सां, चार लफज ने सतगुर और गुरु। जदों असी सतगुरु की गल करने आ ते गुरु की गल करने आ, सिख ते गुरसिख की व्याख्या मैं तुहाडे नाल सांझी कर चुका, हुण थोड़े जिहे मिनट गुरु ते सतगुरु की गल सांझी करा। सतगुरु किहनू कहिंदे ने? सतगुरु का मतलब है, गुरु का मतलब है हनेरे विच चानण करन वाला, जिहड़ा दोवां चीज़ां नाल सांझ रखदा है। गुरु का अर्थ हुंदा है जिहड़ा वैसे शरीरधारी जां बदल भी जांदा है, जिवें पंज प्यारियां नूं गुरु की पदवी दित्ती गई गुरमत दे विच। इत्थे गुरु दे अर्थ शरीरधारी,
एक थां ते बहन वाला गुरु ने, मैं कह रहा पंज प्यारे वो जदों गुरु की हजूरी दे अंदर आउंदे ने अरदास हुंदी है ते गुरु रूप हो जांदे ने। अमृत छकाउण तों पहलां अरदास कीती जांदी है वी तुहाडी हजूरी दे विच पंज प्यारे हाजर होए ने, आप वरतो कृपा करो। जिन्ना चिर अमृत की दात उन्होंने छकाउणी है उन्ना चिर वह गुरु वाली पदवी ते ने, ते जदों अमृत की दात वरता दिती गई ते जदों उन्होंने अरदास कीती कि यह प्रक्रिया पूरी हो गई है उदों यह भी अरदास हुंदी है नाल के हुणे गुरु की पदवी तो खारज हो चुके ने, हुण फिर सिख बन गए। यह तरीका गुरमत का, इसलिए उन्होंने कह सकने आ गुरु। गुरु दे अर्थ हुंदे ने गगे का अर्थ है हनेरा, रारे का अर्थ है चानण, गगे का अर्थ है हनेरा ते हनेरे दे अर्थ ने दुनिया संसार, मन रे संसार अंध गहेरा, इत्थे हनेरा ही हनेरा है। रारे का अर्थ है चानण, ओ हस्ती जेड़ी संसार बारे भी जानदी है ते जेड़ी निरंकार बारे भी शब्द बारे भी जानदी, उहनू गुरु कहिंदे ने। उहने पंज शरीर पंजां विच पा दिता तां जेड़ा दोवां पासे जुड़िया होया ते सतगुरु कहिए, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं। सत दा मतलब हुंदा है जो अज तो पहलां भी है सी, जो अज भी है ते जो आउण वाले समय विच भी कायम रहेगा, जिन्हों कहा गया आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, उहनूं कहिंदे सत गुरु। ओ गुरु जो कदी नाश नहीं हुंदा, जो सदीव काल वास्ते रहिंदा है। इसलिए धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं आपां कहिंदे आं कि आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब। आदि दा मतलब जदों संसार नहीं सी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सरूप उदों वी आया सी, भावें इस तरह दा नहीं सी, शब्द दे रूप दे अंदर सी, ब्रह्मांड दे विच शब्द स्वरूप सी, कायम सी इत्थे। फिर गुरु नानक साहिब आए, उन्हां ने उस शब्द दे नाल सांझ पा ली, शब्द नूं पकड़ लिया, अगम अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलहारी है। ते फिर उस शब्द नूं लै के आए ते लिया के वेख्या कि संसार नूं सेध देनी है, ते फिर लिख दिता बाणी दे रूप विच, बाणी दे रूप विच सानूं दे दिता। इस करके शब्द कह जाते हैं भी गुरु ग्रंथ साहब आदि गुरु ग्रंथ साहब ने, जिन्हों कलगीधर पातशाह ने कहा कि आदि अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। ओ गुरु जदों संसार अजे शुरू भी नहीं सी होया उदों भी कायम सी, ते जदों सब कुछ फना हो जाएगा ये गुरु उदों भी रहेगा, उदों भी कायम रहेगा। इस करके इन्ना महान होर कोई गुरु नहीं, इतनी महानता किसी विच नहीं। तां ही आपां वेखने आं इतिहास विचों सुनने आं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जदों प्रकाश हो गया सी, उस वेले गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जदों किते प्रकाश हुंदा सी ते शरीरक तौर ते जिहड़ियां पातशाहियां सन उह गद्दी ते नहीं सन बहिंदियां। जिवें कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने 1604 विच प्रकाश कीता ते उहनां दी शहादत होई 1606 विच। इह दो साल ना ते उह दरबार दे विच गद्दी ते बैठे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच, हरिमंदर साहिब विच गद्दी नहीं लाई, संगत विच बहिंदे रहे। और जदों रात नूं कोठा साहिब विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दा विश्राम कराया जांदा सी, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਦੀਏ ਕੋਈ ਪਲੰਗ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਬਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੜਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਰੜਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਣ ਅਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਖੰਡਾ ਖੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
कि कथा करनी इस थां ते ठीक नहीं, रब दा मंदर है कि रब दे कन काले हो जांदे कथा दे नाल। इह गल क्यों चली, अज तक चल रही है। तां इह सारियां गल्लां बड़े तरीके नाल फैलाईयां जांदियां ने। अज भी जे सारी सिख कौम हर रोज अद्धा घंटा गुरु शब्द विचार सुन लग पै, 10 सालां विच सफाई हो जाएगी जिन्ना गंद पिया होया सारा। 10 साल लगणगे क्योंकि बड़े चिर दी विचारधारा बंद होई पई है, बड़ी घट है, बहुत घट। दूजा यह है कि विचारधारा कि गुरु कृपा करे शुद्ध होवे, ठीक होवे, गुरु के आशय अनुसार होवे। तां इस ढंग दे नाल जिहड़ा सतगुरु शब्द है, सदा कायम रहण वाला गुरु, जिहदे बारे कलगीधर पातशाह ने कहा सी कि आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ। पंथ की गल पहला कीती है, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इस करके गुरु ते सतगुरु दे ए भेद ने, सिख ते गुरसिख दे ए भेद ने। जदों इन्हां दा आपस विच जोड़ लगदा है उत्थे फिर रूहानियत, उत्थे सिखी दी पैदाइश हुंदी है। जे सो चंदा उगवें सूरज चढ़ें हजार, इहदे होर गुरु ग्रंथ साहिब विच सतगुरां ने की बख्शां कीतियां कल दे दीवान विच विचारांगे। आओ एक दो मिनट वास्ते गुरु शब्द नाल सांझ पाईए, सारयां नूं कृपा करनी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।